तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ कि ये हमारा अनलॉक टूल का आगे का टॉपिक होने वाला है। ये हमारा शायद तीसरा या चौथा पार्ट होगा कि हम लोग अनलॉक टूल के बारे में, ये हाँ चौथा पार्ट है। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो अनलॉक टूल के माध्यम से, अनलॉक टूल के माध्यम से हवाई के मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करते हैं, हवाई के अंदर हॉनर की सीरीज आती है, हवाई कंपनी के मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाता है, या आप ये भी बात कह सकते हैं कि इसके अंदर जो किरिन सीपीयू आता है उसको कैसे रिपेयर करते हैं। ज़्यादातर हॉनर के जो मोबाइल फोन आते हैं, हॉनर के जैसे 9N हो गया, P1 लाइट हो गया, या और भी ऐसे बहुत सारे मॉडल आते हैं जिसके अंदर तुम्हारा किरिन सीपीयू लगा होता है, किरण सीपीयू लगा होता है, तो उस किरण सीपीयू को मोबाइल फोन को हम लोग नॉर्मली माध्यम से हम लोग उसको फॉर्मेट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उसमें अगर पासवर्ड मांगने लगता है तो वो भी नहीं कर पाते। अगर फॉर्मेट कर देते हैं तो उसमें FRP लग जाता है या हवाई का अकाउंट लग जाता है, तो उसको हम लोग नहीं ब्रेक कर पाते। तो आज हम लोग जो दोस्तों सीखने वाले हैं वो हवाई के मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा उसका तरीका दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट आपको सिखाया जाता है। हम लोग दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको वीडियो लेकर के आए हैं कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम आती है उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं ताकि आप लोग सीख करके अच्छी तरीके से काम कर सकें और मोबाइल फोन रिपेयरिंग में आपको कहीं ना कहीं मदद हो। और जो सॉफ्टवेयर के लिए जो मोबाइल फोन को लेकर के आकर आपको कहीं बार बार भागना पड़ता है तो वो काम आपका बंद हो जाए और अपनी दुकान पर बैठ करके अच्छी तरीके से रिपेयरिंग करें। दूसरी बात क्या, इसे वीडियो के माध्यम से आप ये भी देख करके समझ सकते हैं कि कैसे हम मोबाइल फोन को रिपेयर कर रहे हैं, क्या रिपेयर करने का तरीका क्या है, कितना सरल है। लोग सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग को सर बहुत कठिन मानते हैं, इसलिए कठिन मानते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, उनको कहीं सही से तरीका नहीं पता और वो बार बार यूट्यूब में दुनिया भर की बहुत सारी वीडियो को देखते हैं और वीडियो देखने के बाद कन्फ्यूज हो जाते हैं, फिर मोबाइल फोन को नहीं ठीक कर पाते। लेकिन हम ये आपको सीक्वेंस इसीलिए लेकर गए हैं ताकि आप इन वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ों को सीखें और अगर कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिकली खुद कर करके इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं और भी बहुत सारी जानकारी है उनको भी आप सीख सकते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर की कोई भी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं और जगह पर सीख भी रहे हैं, सीखने के बाद वो मुझे कॉल करते हैं कि सर मैं आपके सॉफ्टवेयर के वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सीखने को हमको मिला हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो आज हम लोग जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हवाई के ऊपर होने वाला है। यदि हवाई के मोबाइल फोन आते हैं तो हवाई के मोबाइल फोन को हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं इसका तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उसको रिपेयर करने का तरीका क्या, ये सारा सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो में, एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहली बार हवाई का कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन के लिए अंदर किरण सीपीयू लगा होता है। अगर क्वालिकॉम मीडियाटेक लगा है तो वो क्वालिकॉम मीडियाटेक की तरह से ही होगा। अगर उसने किरण सीपीयू लगा है, अब किरण सीपीयू तुमको कैसे पता चलेगा, ये बात तुमको GSM अरीना से पता चलेगी। देखो मैं भी वो भी बात मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ। इसको मिनिमाइज किया, गूगल खोला, गूगल को खुल जाने दीजिए, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, चेक करके भी बताता हूँ। गूगल पे जाओगे, नया पेज हमने ओपन किया, नया पेज ओपन होने के बाद फिर हम लोग उसमें सर्च करेंगे। कैसे सर्च करेंगे, हवाई नाइन एंड GSM अरीना, जैसे लिख के सर्च करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा। ये देखिए हॉनर लिख करके आ रहा है, हॉनर 9N करके आता है,
क्योंकि हवाई की हॉर्नर सीधी जाती है। जैसे हम इसको फुल स्पेसिफिकेशन खोलेंगे, देखिए खुल जाएगा और यहाँ पर लिख करके आएगा प्लेटफॉर्म। ये देखिए बस यहीं पर पूरा खेल है। चिपसेट क्या लगा हुआ है? किरण सीपीयू लगा हुआ है। किरण कितना है? 659। आप देख लीजिए हवाई का जो मॉडल आता है उनकी किरण सीपीयू को जो मॉडल की काउंटिंग चलती है वो सीपीयू के हिसाब से चलती है कि उसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा है। जैसे इसमें लिखा है किरण 659, किसी में लिखा है किरण 6750, किसी में लिखा 753, 789, 890, ऐसे बहुत सारे सीपीयू लगे हैं। तो वहां पर आपको कोई मॉडल ये लिख के नहीं आएगा कि हॉनर 9N, आपको 9N नहीं लेना, आपको क्या लेना है? सीपीयू 659 ले लेना है। जैसे सीपीयू 659 ले लोगे तो हॉनर 9N हो चाहे 9G हो उसको तोड़ देगा। किसको लेगा? किरण 659। अब चलिए हम लोग आगे अपने सिस्टम पे चलते हैं। सिस्टम पे चलने के बाद हम लोगों ने अनलॉक टूल को अपना ओपन किया। जैसे अनलॉक टूल ओपन किया, अनलॉक टूल हमारा खुल गया। मान लिया हमारे पास हवाई का है, ये जैसे हवाई पे क्लिक करेंगे ये हवाई का खुल जाएगा। हवाई के अंदर देखिए सिक्योरिटी आ रही है, यहाँ पर कोई भी आपको मॉडल नहीं लिख कर आ रहा है, कोई भी ऐसा मॉडल नहीं लिखा कि आप 9N का खोलना चाहते हैं कि P20 का खोलना चाहते हैं, किसका खोलना चाहते हैं, इसको बात हो गई मतलब नहीं। इसको मतलब किससे? सीपीयू से। हमने वहां कौन सा देखा था? सीपीयू 659। कौन सा दोस्तों हमारा सीपीयू था? 659। 659 कहाँ है? ये क्लिक कर लो बस, इसने 9N समझ गए। इसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम 9N लगा रहे हो कि P1 लगा रहे हो कि लाइट लगा रहे हो, इसको मतलब किससे? 659 से। 710 अगर मान लिया 9N है उसके अंदर 710 CPU लगा है, 710 ले लिए। अगर आपके अंदर 655 लगा है तो 655, मॉडल कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, CPU पकड़ लो। अब CPU कैसे देखोगे? GSM अरीना से। जैसे GSM अरीना से आप देखोगे तो वहां पर CPU की आपकी पहचान हो जाएगी, आप CPU को पहचान जाएंगे। अच्छा एक बात मैं आपको दोस्तों और बताना चाहता हूँ, हॉनर हवाई के जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं उसमें जब ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेते हैं तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद भी हमारे पास कोई मोबाइल फोन ऐसे आते हैं जो कनेक्ट नहीं होते हैं। जब मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं होते तो हमको मैनुअली ड्राइवर डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है दोस्तों? मैनुअली ड्राइवर जो होता है उस मैनुअली ड्राइवर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैनुअली ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं तो मैनुअली ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद ड्राइवर हमारे सिस्टम में क्या हो जाता है? इंस्टॉल हो जाता है। जैसे ड्राइवर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो ड्राइवर सिस्टम वाले के बाद कनेक्ट कर लेता है, नहीं कनेक्ट करता तो मैनुअली देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? वो आप ड्राइवर को गूगल से डाउनलोड करेंगे। जैसे मेरे पास हवाई का ड्राइवर है, हमने इसको खोला। हवाई के अंदर जो ड्राइवर आता है ये 1.com/1.0/53 ऐसे पोर्ट बनाता है। अगर 64 बिट का है तो 64 ले लिए, 32 बिट का तो इसको ले लेंगे। ये देखिए ड्राइवर दिया हुआ है। अब आप इसमें क्या कर, हवाई यूजर क्यू यूजर नाम से डायोड ड्राइवर आता है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। एक ही ड्राइवर सेलेक्ट करने के लिए आएगा, या USB सिस्टम फाइल आती है इसको आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे तो सेटअप फाइल आती है, इसको कनेक्ट हो जाएगी आपकी। लेकिन आप ये कनेक्ट कैसे करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माई कंप्यूटर में जाना पड़ेगा। माई कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर में जाना पड़ेगा। डिवाइस मैनेजर में जब आप राइट क्लिक करेंगे तो उससे पहले मोबाइल फोन को कनेक्ट करा लेंगे। जब मोबाइल फोन को कनेक्ट करा लेंगे तो फोन आपका पोर्ट बनाएगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क बन के आएगा, येलो कलर का ट्रायंगल बन के आएगा, तब आप उसको मैनुअली ड्राइवर देंगे। अगर मैनुअली ड्राइवर भी आप इसका तरीका समझना चाहते हैं तो भी इसके पीछे बैक हैंड में वीडियो में पड़ा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो हम लोगों ने अनलॉक टूल ओपन किया। अनलॉक टूल ओपन करने के बाद फिर हम लोग टेस्ट पॉइंट पे गए। जैसे टेस्ट पॉइंट पे चले गए तो टेस्ट पॉइंट पे जाने के बाद आपने हवाई ले लिया। अब हवाई का कौन सा भाई मॉडल है? हवाई का 9N मॉडल है। अब आप यहाँ पर 9N में चले जाइए। ये देखिए जैसे 9N पे क्लिक करेंगे तो इसमें टेस्ट पॉइंट खुल जाता है। ये देखिए बता रहा है, इस टेस्ट पॉइंट को तुमको ग्राउंड से शॉर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इस टेस्ट पॉइंट को ग्राउंड से जैसे शॉर्ट करेंगे तो आपका मोबाइल फोन फट से क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा, पोर्ट बना लेगा। जब पोर्ट बना लेगा तो पोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। अगर आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हार्ड रीसेट हाथों से कर लीजिए, और उसमें FRP लग जाती है। हवाई के फ़ोन ज़्यादातर FRP के लिए परेशान करते हैं, तो जैसे आप इरेज FRP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी FRP आपकी खुल जाएगी।
और आराम से आप कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन की एफआरपी को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, यदि हवाई का मोबाइल फोन आता है उसके अंदर सीपीयू तुम्हारा मीडियाटेक लगा होता है, क्वालिकॉम लगा होता है, तो उसके लिए फिर आपको सीधे क्वालिकॉम पे जाना पड़ेगा और मीडियाटेक पे जाना पड़ेगा, और कहीं मॉडल वॉडल लेने की जरूरत नहीं है। वो क्वालिकॉम में मीडियाटेक यूनिवर्सल के हिसाब से सीपीयू हमारे मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएंगे। अगर उसमें किरण सीपीयू लगा होता है तो किरण सीपीयू को हम लोग इसके माध्यम से आसानी के साथ में उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और मोबाइल फोन में लॉक को तोड़ सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ से आप फॉर्मेट करेंगे, यहाँ पर आपको फोन कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, आप मोबाइल फोन जो सिलेक्ट करेंगे वो सीपीयू के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे कि आपके मोबाइल फोन में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। जैसे जो सीपीयू लगा हुआ है उसी सीपीयू के हिसाब से उसको ले लेंगे और उसके बाद इरेज एफआरपी कर देंगे। जैसे एफआरपी कर देंगे तो मोबाइल फोन की एफआरपी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो हवाई कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं उस हवाई कंपनी के मोबाइल फोन को हम लोग फॉर्मेट एफआरपी कैसे हटाते हैं, तो ये तरीका हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो इसके माध्यम से जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन को आप रिपेयर कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को देख देख करके आप रिपेयर कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक हुआ है वो हवाई के बारे में हुआ है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं अनलॉक टूल के बारे में आपको पूरा डिटेल में आपको जानकारी दूंगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको सिखाऊंगा ताकि आप लोग अनलॉक टूल को परचेस करके अपना थोड़ा मोड़ा काम करना स्टार्ट करें। जब थोड़ा काम करना स्टार्ट कर देंगे फिर आगे जैसा होगा फिर हम लोग आप आगे बात करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, 6391711711 6391211211। इन दोनों नंबर पर किसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आप चाहें कि ट्रेनिंग के बारे में समझना चाहते हैं, ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को कंप्लीट कैसे सीखा जाएगा, उसका तरीका क्या है, कितने समय का कोर्स होता है, कितना टाइम लगता है, कितना ड्यूरेशन होता है, इन सारी बातों के बारे में आप कॉल के माध्यम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से क्लास को देख सकते हैं कि कैसे क्लास होगा, किस तरीके से क्लास में आपको सिखाया जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो के माध्यम से एक एक करके जो भी सारी चीज़ें हैं सारी चीज़ों के बारे में सीखें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है।